दैनिक जय भारत जय संविधान में गौतम रत्न अम्बेडकर नेशन चैनल से और हमारे साथ आज दलित प्रेम स्थल पर जो बहन जी के द्वारा एक ऐतिहासिक स्थल उनकी सरकार में बनाया गया वहां पर बहुजन समाज पार्टी के जिला कोऑर्डिनेटर सुनील कुमार जी जो गोकलपुरी एरिया देख रहे हैं गोकलपुर जिला तो बात करेंगे कि क्या अभी आने वाले इलेक्शन में क्या प्लानिंग है और क्या सोचते हैं कुछ बहुत सारे उनके साथ में बात करने के बाद पता लगे कि उनकी क्या प्लानिंग है क्योंकि एमसीडी का इलेक्शन आने वाला है। तो सुनील चौधरी जी हमारे अम्बेडकर नेशन चैनल पर आपका स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके यहाँ भी दिल्ली में भी एमसीडी का इलेक्शन आने वाला है यूपी का तो है बड़ा इलेक्शन मोदी जी के लिए और आप लोगों को जो यहाँ जिम्मेदारी दी गई है तो किस तरह से क्या तैयार हुई। सबसे पहले तो हमारा सबको क्रांतिकारी जय भीम और आज हम सभी लोग यहाँ पे बाबा साहब के परिणाम दर्श पे दलित प्रेम स्थल पे हैं और आज हम मैं पहले ये चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं बाबा साहब के बारे में बता दूं कि ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है ये मान सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है सर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो आज आप यहाँ खड़े हैं जिस जगह पे खड़े हैं ये हमारा इतिहास है। पहले दलितों का भी इतिहास नहीं हुआ करते थे लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने बहन जी ने जो दलितों का एक इतिहास बनाया है जहाँ पे ये हम खड़े हैं ये तीस लोगों को अंदर देखने के लिए मिलती है ये बीजेपी के अंदर कांग्रेस के अंदर समाजवादी पार्टी के अंदर ये देखने के लिए मिलती है कि ये कितनी टीस है ये 600 करोड़ रुपए का मसला नहीं था ये मसला था कि दलितों ने अपना इतिहास खड़ा कर दिया जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जानेंगे सदियों बाद भी ये इतिहास हमें जिंदा रखा है। सुनील जी आप बाबा साहब की बात कर रहे थे मुझे थोड़ा सा कभी कभी जो दलित शब्द जो इस्तेमाल करते हैं आप लोग तो एक बड़ा पार्टी से पॉलिटिक्स से अलग हटके सवाल है क्योंकि आप बड़े अच्छा लग रहा है कि आप बाबा साहब को काफी आपने अध्ययन किया शायद तो 75-74 साल से बाबा साहब के रिजर्वेशन को लेकर के ये बहुजन समाज कब तक दलित बना रहेगा बहुजन क्यों नहीं बनता है या बुद्धिस्ट क्यों नहीं बनता है क्योंकि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा है हमें प्रेरणा देती है हमें बाबा साहब का एक आदेश भी है संदेश भी है कि बहुजन समाज को दूसरे बने ना बने उसको तो कम से कम बुद्धिस्ट को मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि जब बाबा साहब ने इतनी मेहनत करी थी तो इतनी मेहनत करने के बाद शेड्यूल कास्ट जो एक सूची होती है कास्ट की एक शेड्यूल ट्राइब्स जो ट्राइब्स की एक जाति होती है जो अदर बैकवर्ड जो बचे हुए लोग थे अगर ओबीसी में डाल दिए तो बाबा साहब ने इतनी मेहनत करी कि 6,640 जातियों को तीन जगह उन्होंने लाकर तीन सूचियों में सम्मिलित कर दिया। लेकिन बात यह है कि दलित वर्ड कभी कभी हम इसलिए बोलते हैं कि जो दलित होता है एक मतलब एक अंदर से एनर्जी पैदा करता है कि ये हमें ध्यान दिलाता है कि हमें अपना संघर्ष नहीं भूलना इसलिए हम कभी कभी दलित का वर्ड का जो यूज करते हैं मुझे पता है कि बीइंग एडवोकेट कि हमें जो है दलित वर्ड यूज नहीं करना चाहिए हमें एससी एसटी या ओबीसी संवैधानिक शब्दों का हमें आप यूज करना चाहिए लेकिन फिर भी हम करते हैं इस चीज को क्योंकि हमें दर्द जो हम खत्म नहीं करना चाहते अपना। तो अभी आने वाले इलेक्शन के लिए क्या तैयारी है इलेक्शन दिल्ली के अंदर एमसीडी का इलेक्शन है और यहाँ पर लगभग अभी तक आप पार्टी ने पूरा दोनों ही तीनों पार्टियों का सूत्रा साफ कर रखा है अब तक जो हो रहा है देखिए पिछली बात तो नहीं मैं करता जो एक लोग जो गुमनामी की जिंदगी में जो जी रहे थे उन्होंने जो आम आदमी पार्टी को वोट कर दिया और वो एक तुक्के से वो उनकी जीत हो गई उनकी जो है कोई मिशन नहीं है उनकी कोई विचारधारा नहीं है जो आरएसएस की विचारधारा जो बीजेपी की विचारधारा वही आम आदमी पार्टी की विचारधारा है और देखिए आप पूरी दिल्ली खोखली कर चुकी है आम आदमी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है जो देखिए बहुजनों की विचारधारा है सबको मान सम्मान स्वाभिमान शिक्षा और रोटी कपड़ा और मकान सब बहुजन समाज पार्टी देती है लेकिन ये फ्री की बात करते हैं इन्होंने रोजगार छीन के फ्री की बात करनी शुरू कर दी है कि बिजली पानी फ्री रहेंगे लेकिन तुम्हारे रोजगार छीन लेंगे तुम्हारी एजुकेशन छीन लेंगे तुम्हारे रोटी कपड़ा मकान छीन लेंगे लेकिन बिजली पानी फ्री रहेंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो जो सरकार है तो बहुजन पार्टी की जो विचारधारा है वो ऐसी कतई नहीं है बहुजन समाज पार्टी है। एक टाइम में आपका वोट लगभग 14-15% तक था और पिछले इलेक्शन में आप लगभग 1% के आसपास आ गए। देखिए आप दोबारा चुनाव ऐसी क्या परिस्थिति कहाँ कमी है पार्टी के काम में कमी है ये जो आपके बड़े पदाधिकारी उनके काम में कमी। देखिए मैं बताता हूँ कि जो आम आदमी पार्टी तुमने एक लॉलीपॉप दिया लोगों को बरगला दिया उसने और लोग उसके बैठा में चले गए लेकिन अब लोग बैठने वाले नहीं है 2022 में जो चुनाव होने वाला आमचेडी का उसमें जो मेयर बनेंगे तीनों मेयर जो बनेंगे वो हमारे जो समर्थन से बनेंगे नहीं तो बनेंगे इधर आप सुने तो रोटी सुने हमें आगे बढ़ते जाना है
लगाना है, जय भी का नारा लगाना है, जय भी जय भी। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा ए टू जेड एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। अम्बेडकर मिशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।